बेंगल रे ममता को जोगिंग का टारगेट। बेंगल रे हिंदू विरोधी साजिछंती ममता। 10 वर्ष हला नष्ट करी चलीछंती बेंगल रो शांत परिवेश। गुंडा राज एवं अराजकतार भूमि करिछंती राज्य को। दुर्गा पूजा निषेध पाई चेष्टा करिथिले एबे रामंकु करुछंती विरोध। तृतीय पर्याय निर्वाचन पूर्व शनिवार दिन पश्चिमबंग एक विशाल रोड शो भाग नहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तथा बीजेपी स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ। उत्तर हावड़ार उलुबेरिया राली को संबोधित करी दीदी ममता और टीएमसी को करी टारगेट। बेंगल हेउछे सांस्कृतिक जातीयतावाद तथा साधुसंत और महापुरुष भूमि। यह भूमि को गुंडाराज एवं अराजकतार भूमि में परिणत करिछंती ममता और टीएमसी। गत 10 वर्ष धरी राज्यर परिवेश को ममता नष्ट करिछंती बोली आरोप करिछंती योगी। बंगाल की धरती देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, लेकिन बंगाल को टीएमसी के गुंडों ने गुंडागिरी और अराजकता की धरती बना दिया है। यहाँ पर कांग्रेस वामपंथी दलों और टीएमसी ने यहाँ के दुई वर्ष तले राज्य में दुर्गा पूजा बंद करने चेष्टा करिथिबा ममता एवं प्रभु रामंकु विरोध करुछंती। बेंगल एवं पूरा देशर सामूहिक स्वार्थ पाई एणिकी ए राम तथा हिंदू विरोधी दुर्नीतिग्रस्त गुंडाराज समर्थक टीएमसी कबलरु मुकुलिबार समय आसीछि बोली योगी भोटर को आह्वान देइछंती। उसको एक बैनर की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए और देश के हित में, बंगाल के हित में उससे भय इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर बंगाल के महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आप इस भव्य रोड शो के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रत्युष मंडल को अपना समर्थन और सहयोग देने का जो संकल्प दोहराया है। केवल टीएमसी नुहे राज्यर खराब अवस्था पाई कांग्रेस और बामदल को मध्य टार्गेट करिथिले योगी। एवं बेंगल रे जेउन परिवर्तनर हवा बहुछि सेथरे टीएमसी हारिब एवं बीजेपी विपुल संख्यार आसन दखल करी राज्य रे सरकार गढ़िब बोली आशा प्रकाश करिछंती योगी आदित्यनाथ। पश्चिमबंग रे दुई पर्यायर निर्वाचन सरीथिबा बेले आगामी तृतीय पर्याय निर्वाचन एप्रिल 6 तारिखर अनुष्ठित होबाकु जाउछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।